तो मैथमेटिकल टूल में जो मेजर टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं और स्टडी करनी है, कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपको याद करनी है। जैसे 9th 10th की चीजें जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं वो आपके दिमाग में हैं पहले से, उसको आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिकॉल करने की जरूरत है, मेमोराइज करने की जरूरत है। तो देखो दो चीजें हैं, कुछ चीजें आपको मेमोराइज करनी है ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझना है। समझना क्यों है? क्योंकि आपने उसे पढ़ा नहीं है पहले से, तो उसको आपको पढ़ना होगा। वो कौन सी चीजें हैं? वो 11th और 12th की कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे। वेक्टर्स उनमें एक है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, ये दो टॉपिक और हैं वेक्टर के अलावा जो आपको पढ़ने हैं ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक समझ लेते हैं कौन कौन से वो टॉपिक हैं। देखो जनरल फॉर्मूला है एरिया और वॉल्यूम का, ये आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद है अलजेब्रा। अलजेब्रा बच्चे ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ चुके हैं, तो उसको रिकॉल करने की जरूरत है, मेमोराइज करने की जरूरत है। कुछ फॉर्मूले हैं मेमोराइज करने की जरूरत है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है ठीक है, वो प्रोसेस आपको समझना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ाया जाता है, लेकिन 9th 10th के टॉपिक के अलावा 11th और 12th के कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको मेमोराइज करने हैं, वो याद करने हैं ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कुछ चीजें आपको याद करनी है, कुछ चीजें समझनी है और उस पर एप्लीकेशन भी सॉल्व करना है। तो दो बेसिक चीजें हैं जो फिजिक्स समझने से पहले, फिजिक्स को पढ़ने से पहले आपको मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक जिनको याद भी करना है और फिर साथ में समझना भी है, तो दो चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद है ग्राफ, आपको समझना होगा, ग्राफ की स्टडी आपको करनी होगी। डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है और वेक्टर है, तो ये कुछ टॉपिक हैं। अब ब्रीफ में हम लोगों ने बात कर ली है, अब प्रिसाइसली टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं प्रिसाइसली। जैसे जनरल फॉर्मूला में एरिया और वॉल्यूम का कौन कौन सा फॉर्मूला आपको याद करना है, अलजेब्रा में कौन कौन से चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस को सभी चीजें नहीं पढ़नी है आपको फिजिक्स समझने से पहले, कुछ प्रिसाइस चीजें हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है, तो वो प्रिसाइस टॉपिक मैं बता दे रहा हूं। ये देखो नेक्स्ट पेज पे आपको दिख रहा होगा जनरल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम और एरिया का ठीक है, ये पहला टॉपिक है। दूसरा अलजेब्रा में क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये चार टॉपिक हैं जो अलजेब्रा के हैं जो 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम हो सकता है ना पढ़ाया गया हो ठीक है, लेकिन अगर आप 9th 10th में थोड़ा सा प्रिसाइस स्टडी करोगे तो बाइनोमियल थ्योरम भी आपको मिल जाता है ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है ठीक है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दोनों ठीक है। और उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना है कि 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है, तो बेसिक चीजें तो वही रहेंगी, कुछ एडिशनल फॉर्मूला हैं जो आपको याद करने हैं 11th के ठीक है ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद से ग्राफ की स्टडी करनी है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, उसके बाद से वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स में काफी ज्यादा टॉपिक हैं जो बहुत मेजर टॉपिक्स हैं, अगर आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो 11th और 12th की फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। और डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस तो आपको पढ़ना ही है ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमा जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस का एक टॉपिक है वो भी आपको पढ़ना जरूरी है ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो ऐसी चीजें हैं जो चीजें आपको मेमोराइज करनी है, रिकॉल करनी है 9th 10th की, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, मेमोराइज भी होना चाहिए सारी चीजें, और आपको तुरंत रिकॉल करने की कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि अगर कोई चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ आ रही है, फैक्टराइजेशन मान लो, तो वो तुरंत आपको पता होना चाहिए इसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है। बाइनोमियल थ्योरम में 1+x पावर n है या a+x पावर n है, उसका एक्सपेंशन क्या होगा अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है तो ठीक है, ये सारी चीजें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, स्पेशली ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का इन्फिनेटिव टर्म का सम कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए, आपको रिकॉल करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगना चाहिए, तभी आप इजिली चीजों को एनालाइज भी कर सकते हो और उसका सोल्यूशन भी दे सकते हो। तो आपकी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी जल्दी चीजों को रिकॉल आप कर लेते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंट कैसे कर पाते हो, कितने कम टाइम में इंप्लीमेंट कैसे कर पाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉल करना, इंप्लीमेंट करना, अप्लाई करना
ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिए, ये सारे टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। तो आज जो, जैसे मैंने बताया कि आज जो चीज हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे वो ज्यादातर वो चीजें हैं जो आपको अपने मेमोरी में स्टोर रखनी है, इसको भूलना नहीं है किसी भी मोमेंट पे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगला जो पहला टॉपिक है जनरल फॉर्मूला एंड एरिया, पहले हम लोग वो करेंगे फिर अलजेब्रा की बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है जनरल फॉर्मूला फॉर एरिया एंड वॉल्यूम, तो उसको देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, एरिया ऑफ इनक्लोज सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² स्क्वायर होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6l² स्क्वायर है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 6 ब्रैकेट में l इनटू b प्लस b इनटू h प्लस h इनटू l। ये फॉर्मूला सबको याद होगा और याद रहना चाहिए सबको, ऐसा नहीं कि किसी को भूल जाना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrl होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ का क्यूब होता है, यानी साइड का क्यूब कह सकते हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ये होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला आई थिंक 1/3 होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए, आई थिंक ये फॉर्मूला गलत यहां लिखा हुआ है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच नहीं होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से, वो मेरी गलती है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है अलजेब्रा के, ये सभी बच्चे पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, 9th, 10th में, 8th में ही पढ़ाया जाता है, 7th में भी बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होना चाहिए, ये इंटू 2 नहीं है, होल स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बुक में ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस करके 2ab प्लस bc प्लस ca इस तरह लिखा होता है। यहां पर मेरी ये गलती थी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इंटू 2 नहीं है, पावर 2 है, ठीक है। और दूसरा है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये पॉपुलर फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये सारे फॉर्मूले जितने भी मेरे सामने और आपके सामने दिख रहे हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये फॉर्मूला। और लास्ट फॉर्मूला इसमें ये वाला है, और उसके बाद कंपोनेंट और डिविडेंड रूल है, जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये है, ये वैल्यू अगर इक्वल है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। जैसे एग्जांपल मैं ऐसे कहूं, 1/2 इज इक्वल टू 3/6, अब a माइनस a प्लस बी कर दो, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाओ, और a माइनस बी करो इज इक्वल टू ये सी अपॉन डी है, तो सी प्लस डी करो, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अगर इसको सॉल्व करोगे 3/-1 इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा 9/-3, अल्टीमेटली ये भी तो 3/-1 होगा, 9/-3 अल्टीमेटली इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखो, ऊपर के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेमोरी में आपके होगा क्योंकि आप 9th 10th पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो आपको, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको ये फॉर्मूला भूल गया होगा। हाँ, मेमोरी में कहीं स्टोर होगा, आपको रिकॉल करना होगा, अगर अभी नहीं रिकॉल किया है तो कोशिश करो रिकॉल करने की, ठीक है, प्रैक्टिस करो, मेमोराइज करो, इजिली मेमोराइज हो जाएगा सारी चीजें, बस आपको रिकॉल करने में टाइम जो लगता है वो आपको शॉर्ट करना है, जितनी कम वक्त में आप इसको रिकॉल करोगे उतना अच्छा है। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी रिकॉल करने की कैपेबिलिटी जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उतने कम वक्त में सॉल्व करोगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कितने कम वक्त में चीजों को रिकॉल करते हो, चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे प्रोसेस हो, उसको रिकॉल करना और उसको अप्लाई करना और उससे रिजल्ट निकालना।
ठीक है। तो अगला जैसे ये फॉर्मूला ऑलरेडी एरिया वाला हम लोग और वॉल्यूम वाला ऑलरेडी हम लोग ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, ये हर स्टेप में आपको यूज आएगा इसका, इसको आपको अगर याद रहेगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत सिंपल हो जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। और ये जो अगला फॉर्मूला जो मैंने बताया है अलजेब्रा से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्मूला है वो कमडेंडो डिविडेंडो रूल, ये भी आपको एकदम याद होना चाहिए कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद आते हैं हम अलजेब्रा पे, उसमें अलजेब्रा में जो पहला टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था पहले की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम है, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और देन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो पहला टॉपिक है अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू जो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अगर मैं एक्स की दो वैल्यूज की बात करूं, मान लो पहले एक्स की वैल्यू है अल्फा और उसको मैं प्लस वाला साइन लेकर लिखता हूं तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और दूसरा जो जो रूट है वो अगर बीटा है और उसको माइनस वाला कंपोनेंट अगर लिया जाए, माइनस वाला साइन के साथ अगर लिया जाए माइनस साइन के साथ, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए अल्फा प्लस बीटा कर दिया जाए, तो अब आप सोचो कि राइट साइड वाला जो एक प्लस है और एक माइनस है वो तो कट जाएगा, आ जाएगा कितना माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू ए, अल्टीमेटली ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। ये ऑलरेडी 9th में पढ़ाया जाता है कि दो रूट्स का सम माइनस बी अपॉन ए होता है, ये बताया गया होगा। इवन सिमिलरली अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूं, अल्फा इंटू बीटा करूं, अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं तो अल्टीमेटली रिजल्ट कितना आएगा, तो मैं इसको रिजल्ट को ऐसे यहां लिख देता हूं, रिजल्ट मैं दिखा देता हूं कैसे, एक तो माइनस बी प्लस और अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, दूसरे ब्रैकेट में है माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे, जैसे माइनस इधर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इसको लिखा जा सकता है बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और ऊपर ये बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ध्यान से देखना, अपॉन टू ए इंटू टू ए फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, देखो वही फॉर्मूला यूज हो गया ना जो हम लोग अभी इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला कहां गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अब हम लोग आगे यहां अप्लाई करने जा रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोर इसी को बी स्क्वायर मान लो उसका होल स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। अब रूट इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो आएगा कितना, ध्यान से देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए स्क्वायर। और थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, मैं यहां कर दे रहा हूं स्पेस की वजह से, स्पेस की कमी की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपॉन टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर कटा, ए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फोर ए सी अपॉन टू ए स्क्वायर, ये कितना होगा टू नहीं यहाँ नीचे फोर था ना, ये गलती मैंने कर दी, फोर यहां था ना, फोर और ये फोर कट जाएगा, फोर फोर कट गया, ए से ए कटा सी अपॉन ए आएगा, ये कितना आएगा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये आएगा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, करेक्ट है। तो दो रूट्स का सम क्या होता है, ए बी माइनस ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन ए, और दो रूट्स का प्रोडक्ट कितना होता है सी अपॉन ए, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सॉल्व करना, ये इसको धाराचार मेथड भी बोला जाता है, कौन सा मेथड, धाराचार मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट को फाइंड आउट करने का ये मेथड है धाराचार मेथड, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, a प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू x स्क्वायर प्लस nn माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू x क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक जाता है इंफिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर x इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है अगर x की वैल्यू,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो निगलेक्जिबल होगा, एक्स क्यूब उससे भी छोटा होगा, एक्स पावर फोर उससे भी छोटा होगा, ये सब ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होगा ये सारे टर्म। तो अगर एक्स बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर फोर, एक्स पावर फाइव, ये सारे टर्म बहुत छोटे होंगे, ऑलमोस्ट एक्स ये जीरो के ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। उस केस में वन प्लस एक्स पे पावर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पावर वाले टर्म जीरो कंसिडर कर लिए जाएं तो बचेगा क्या, वन प्लस एन एक्स, ये होगा बस, वन प्लस एक्स पे पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, ये होगा, करेक्ट है। ठीक, अगर एन की वैल्यू माइनस एन के बराबर है, यानी वन प्लस एक्स पे पावर माइनस एन करो, तो ये क्या होगा, वन प्लस ऑफ माइनस एन इंटू एक्स होगा, यानी वन माइनस एन एक्स होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको एक्स पे पावर माइनस एन लिखते वक्त। अब अगर ध्यान लो, वन माइनस एक्स पे पावर एन है तो क्या होगा, वन माइनस एन इंटू एक्स ये होगा, यानी वन माइनस एन एक्स। और अगर वन माइनस एक्स पे पावर माइनस एन है तो क्या होगा, वन माइनस ऑफ माइनस एन, वन माइनस ऑफ माइनस एन इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा, वन प्लस एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम का ये सारे केसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे केसेस आपको याद रखने हैं, केस नंबर वन, केस नंबर वन, दूसरा सिचुएशन थर्ड, सेकेंड हो गया, थर्ड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, और फोर्थ ये हो गया। ये चारों केसेस एक्स की वैल्यू वेरी स्मॉल है, यानी बहुत छोटी है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर फोर या उससे हायर पावर वाले सारे टर्म निगलेक्ट कर दिए जाएंगे, तो ये सारे टर्म जीरो कंसिडर कर लिए जाएंगे आगे के, तो बचेगा सिर्फ वन प्लस एन एक्स। ठीक है, वन प्लस एन एक्स बचेगा, और उसमें भी एन की वैल्यू निगेटिव है, तो जो पावर नीचे आएगा वो माइनस के साथ आएगा। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू पहले से निगेटिव है, ऊपर निगेटिव है पहले से, तो दोनों निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, जैसे यहां पर हुआ है इस केस में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं, जितने भी बातें कर रहे हैं, वो सारी चीजें मेमोराइज करने वाली, रिकॉल करने वाली हो चुका है उनके साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है भाई, एक टर्म में हर बार कोई फिक्स वैल्यू बार बार एड की जाती है। जैसे पहला टर्म टू है, उसमें मान लो थ्री एड किया, टू प्लस थ्री कितना हो गया, फाइव। अब इसमें इस फाइव में फिर से थ्री ऐड कर दिया, तो फाइव प्लस थ्री तो मिलके हो गया एट। ठीक है, अब इस नए टर्म में फिर से थ्री ऐड कर दिया, तो हर बार एक फिक्स टर्म ऐड किया जा रहा है। तो जो चीज हर बार ऐड की जा रही है अगले टर्म को बनाने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट बोला जाता है। हर बार अगले टर्म को बनाने के लिए एक फिक्स वैल्यू ऐड की जाए तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप बोलोगे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला टेंथ एंथ टर्म निकालने का ये है, टी एन इज इक्वल टू ए नॉट, ए नॉट है फर्स्ट टर्म, ध्यान रखना ए नॉट क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। हर बार कोई टर्म ऐड करो, इवन सब्ट्रैक्ट करने पे भी यही चीज है, ऐड करने पे, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो थ्री यहां पर क्या हुआ, थ्री कॉमन डिफरेंस हुआ, जिसको हम यहां डी कह रहे हैं। तो nth टर्म देखो, ये पहला टर्म हो गया टू, अगला टर्म क्या है, टू पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, अगला टर्म फाइव जो है सेकेंड टर्म, एट जो है थर्ड टर्म, और 11 आपका फोर्थ टर्म, इस तरह सीक्वेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। तो nth टर्म जो होगा, ठीक है, nth टर्म में क्या होगा, tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन, जितने भी टर्म की बात करेंगे वहां पर n की वैल्यू आप पुट कर देंगे। जैसे मतलब मान लो जैसे चौथे टर्म की बात कर रहे हैं, n इज इक्वल टू फोर और पहला टर्म है टू, इसी सीरीज का ले लेते हैं, इसी सीरीज का जो ये मैंने लिखा हुआ यहां पर, तो चौथा टर्म की बात करें T4, पहला टर्म क्या है 2 प्लस चौथे टर्म में 4 माइनस 1 इनटू D, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो गया 3 इनटू 3 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 2 11, देखो फोर्थ टर्म 11 है कि नहीं है, फोर्थ टर्म 11 है। ठीक है, तो ये nth टर्म का ये फॉर्मूला आपको जो है याद रखना है, मेमोराइज करना है, और रिकॉल करने के लिए एकदम रेडी रहना, कभी भी रिकॉल किया जा सकता है। और ये एन
टर्म्स का सम का फॉर्मूला है, एन टर्म्स का सम का, जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, डॉट 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 डॉट, मान लो टी एन टर्म्स को जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए सभी टर्म को मैन्युअली जोड़ना पड़ता है हम लोग, लेकिन अगर आपको ये चीजें पता है, कौन कौन सी चीजें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पहला फर्स्ट टर्म ए नॉट वो कितना है, और तीसरा कॉमन डिफरेंस ये कितना है, अगर ये तीन चीजें आपको पता हैं तो आप एन टर्म्स का सम निकाल सकते हो। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरा, ये भी एक फॉर्मूला है कि अगर एन की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू पता है, या फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म भी अगर आपको पता है, एल क्या है, लास्ट टर्म, ध्यान रखना एल क्या है, लास्ट टर्म, और ए नॉट क्या है, फर्स्ट टर्म, तो इस फॉर्मूले में आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, इस फॉर्मूले में भी तीन चीजें पता होनी चाहिए। तो पहले फॉर्मूले में आपको तीन चीजें कौन कौन सी, एन और ए नॉट और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरे फॉर्मूले में एन, ए नॉट और लास्ट टर्म पता होना चाहिए। तो ये जो दो चीजें अगर आपको पता है तो आप एन टर्म्स का सम निकाल सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिकॉल करने की कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, फॉर्मूला जो 9th-10th में पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करना जरूरी है, और टाइम पे रिकॉल करना, कम टाइम पे रिकॉल करना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई फिक्स नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, जैसे मान लो पहला ही टर्म लिया टू और इसमें थ्री से आपने मल्टीप्लाई किया, तो पहला टर्म टू है उसमें थ्री से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया सिक्स, फिर अगले टर्म जो बना सिक्स, सिक्स में फिर से हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक 18 में आपने फिर से थ्री से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, चौथा टर्म ये। अब देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे, टी एन इज इक्वल टू ए आर पे पावर एन माइनस वन, ए क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है इसमें, फर्स्ट टर्म है टू, टू और कॉमन रेशियो, अच्छा आर को कॉमन रेशियो बोलते हैं ये ध्यान रखना, कॉमन उसमें कॉमन डिफरेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसमें कॉमन रेशियो बोलते हैं, और ए क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ए की वैल्यू टू हो गई, आर की वैल्यू थ्री, नंबर ऑफ टर्म्स अगर चौथा टर्म आपको निकालना है चौथा, तो क्या करेंगे आप फोर माइनस वन कर दो, तो टू इंटू थ्री पे पावर थ्री, थ्री पे पावर थ्री कितना होता है 27, 27 हाँ, 2 इंटू 27, 27 इंटू 2 54, देखो फोर्थ टर्म आपको मिल गया, ये फॉर्मूला देखो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया ये, a पावर a इंटू r पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इन्हीं n टर्म्स को जोड़ना, अगर n टर्म्स को अगर जोड़ा जाए और इनका सम कितना होगा, उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, वो ये है a ब्रैकेट में 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है और अगर r की वैल्यू बड़ी है 1 से, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर इंफिनिटिव टर्म, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंफिनिटिव टर्म्स हैं, उनका सम आपको निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे a अपॉन 1 माइनस r, जहां पर r की वैल्यू 1 से छोटी है, और अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। ये दोनों फॉर्मूला इंफिनिटिव टर्म का सम का फॉर्मूला है। तो ये जितने फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हैं, जितना कंटेंट मैंने डिस्कस किया है, ये सिर्फ मैंने वो चीजें डिस्कस की हैं जो चीज आपको रिवाइज करनी है, मेमोराइज करनी है, 9th-10th की चीजें हैं, मेमोराइज करना है, रिकॉल करने में टाइम कम लगना चाहिए, ये सारी चीजों में अभी तक मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई है। हो सकता है बाइनोमियल थ्योरम बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हों, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी शायद ना पढ़े हों और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी चीजें हैं जो आप 9th-10th में पढ़ चुके हों, आपको सिर्फ याद करना है। तो याद करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम देंगे तभी ये याद हो सकती हैं, रिकॉल हो सकती हैं कहा जाए बेहतर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 9th-10th की चीजें आपको याद रहनी चाहिए अगले दो साल तक, 11th-12th दोनों में, और नई चीजें भी, जो जो चीजें आपको आपके सामने आती हैं वो भी आपके अंदर वो
स्टोर रहनी चाहिए, मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर रहनी चाहिए, ताकि आपको कभी भी किसी भी इंस्टेंस पे आपको उसको रिकॉल करना हो तो टाइम ना लगे, क्योंकि टाइम ही सब कुछ है। कम टाइम में ज्यादा चीजें रिकॉल करना है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे परेशान रहोगे हमेशा।